हल्द्वानी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। चिकित्सालय के निर्माण में करीब 7 करोड़ की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज में 50 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जिससे जनता को इलाज के लिए अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं होगी। लोगों की कोशिश होगी कि उनको जल्दी पूरा किया जाए और हफ्ता 10 दिन में ये अस्पताल में पेशेंट्स का जो भर्ती होने का काम है, इलाज का काम है, वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी अभी हमने लगभग 50 प्रोफेसर्स की मेडिकल कॉलेज के लिए हम भर्ती कर अभी हमने एक महीने में भर्ती की है और लगभग 138 पद हमने विज्ञापित किए हैं, ताकि जो डॉक्टर्स की कमी है हमारे, विशेषकर जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसको दूर किया जा सके। और आने वाले वर्ष में हमने 500 और डॉक्टर्स की हम भर्ती करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ 2700 पोस्ट हैं, लगभग वो पूरी भर जाएंगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री को आशा वर्करों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। दरअसल आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसका जवाब न मिलने से आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है, हमें एक मजदूर बना दिया गया है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, इसमें हमारे रहने की सुविधा है। रात बिरात गांव से इतनी वर्करें केस लेके आती हैं, उनको किसी चीज की सुविधा नहीं है यहाँ पे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी मानदेय के लिए, हमने उनसे कहा था कि हमें मासिक मानदेय दिया जाए, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं दिया गया। और आगे कह रही है सरकार करेंगे करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आशा वर्करों के ज्ञापन का सरकार कब तक सुध लेती है। हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।